बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं मेरठ से, जहां पर छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हुआ है और छज्जा गिरने से 4 बच्चे घायल हो गए हैं। घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं थाना कोतवाली क्षेत्र के गुजरी बाजार का यह पूरा मामला इस वक्त सामने आया। आपको बता दें कि इस हादसे में एक बच्ची की मौत की खबर है, हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। वहीं घायल बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। 3 बच्चों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है इस हादसे में। मामले में पुलिस की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई। पुलिस भी बोलने को तैयार नहीं है इस पूरे मामले में। मेरठ में छज्जा गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। छज्जा गिरने से 4 बच्चे घायल हो गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि एक की मौत भी हो गई है। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि उसको लेकर अभी तक ना पुलिस की तरफ से ना ही अस्पताल की तरफ से की गई है। जानकारी है कि घायल बच्चों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर बच्चों की हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, छज्जा गिरने से यह हादसा हुआ है। घायल बच्चों को जिला अस्पताल में इलाज इस वक्त चल रहा है। और इस पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे संवाददाता अतुल शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अतुल, क्या कुछ ताजा जानकारी इस वक्त मिल रही है? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस हादसे में 4 बच्चे घायल हुए हैं, लेकिन साथ ही यह भी जानकारी है कि एक बच्चे की मौत भी हो गई है इस हादसे की वजह से, जिस पर कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। साथ ही यह भी जानकारी दें कि आखिर इस हादसे के पीछे कारण क्या है। कृतिका, थाना कोतवाली क्षेत्र के गुजरी बाजार का ये मामला है, जहां पर जर्जर बिल्डिंग थी, उसका छज्जा गिर जाने से एक बड़ा हादसा हुआ है। 4 बच्चे के दबने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यहां पर जिला अस्पताल में मौजूद है। एक बच्ची की मौत भी हो चुकी है। जो परिवार के लोग हैं परेशान हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। उनकी एक बच्ची थी और उसकी भी मौत हो गई। देख सकते हैं जो तस्वीरें न्यूज बन इंडिया आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं वो जिला अस्पताल पहुंचे हैं। जिला अस्पताल के अंदर यहाँ पर जो बच्ची है उसकी डेड बॉडी है, साथ प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार यहाँ की बात की जाए, व्यवस्थाओं की बात की जाए, खुद CMO यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन हादसा एक जर्जर बिल्डिंग की जो छज्जा है उसे गिरने के बाद हुआ है। जो बच्चे हैं उनके दबे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यहाँ जो परिवार के लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? हाजी इकबाल। क्या हादसा हुआ है और कितने बजे की यह घटना? ये लगभग जो 2:30 या 3 की बात है। एक बच्ची की जान भी गई है और कितने बच्चे घायल हैं? 2 बच्चे और घायल हैं जो भर्ती करा दिए आनंद में, और 2 जो चलते राहगीर थे उनके भी चोट है। तो क्या मानते हैं, बिल्डिंग कितनी पुरानी थी और उसके बावजूद जिस तरह से झज्जा गिरा है, बड़ी घटना हुई है, उसको लेकर के क्या कहना? बिल्डिंग तो काफी पुरानी थी, खस्ता हालत थी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद राशिद। और शहर में आसपास में गुजरी बाजार में कितनी ऐसी जर्जर बिल्डिंग है जिनसे कभी भी कोई घटना हो सकती है? बिल्डिंग तो काफी बिल्डिंग है, सर्वे होनी चाहिए वहाँ का। बिल्डिंग और भी है उधर, कितनी और जर्जर बिल्डिंग है? 5-7 हो रहे हैं उधर। तो देखिए, लगातार सरकार का कहना है जो जर्जर बिल्डिंग है उन पर प्रशासनिक अधिकारी निगाह बनाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी एसी के कमरों में बैठकर के अपना निफराम काम कर रहे हैं। उसके बावजूद देख सकते हैं कि बड़ी घटना मेरठ में देखने को मिली है। एक बच्ची की जान गई है, साथ ही 3 बच्चे अभी घायल बताए जा रहे हैं। लगातार देखा जाए, जो पुलिस है, क्षेत्रीय पुलिस मौके पर यहाँ तैनात है। जो लोग हैं उनको शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है, बड़ी लापरवाही सामने आई है कि अलाया अपार्टमेंट के बाद मेरठ के अंदर जर्जर बिल्डिंग का छज्जा गिरने से बच्चे दबे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लापरवाही बर्दाश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। जी अतुल, जो बच्चे इस वक्त घायल अवस्था में हैं, उनकी उम्र क्या होगी लगभग, इस बारे में कुछ जानकारी अभी तक? देखिए, क्षेत्र के लोग से ही बात करेंगे। जो बच्चे घायल हैं उनकी उम्र कितनी होगी लगभग? एक बच्चे जो एक्सपायर हुआ वो तो 10-11 साल का है, और एक 6-7 साल का, एक 8-9 साल का। देखिए, आसपास में जो बच्चे खेल रहे थे, बिल्डिंग के आसपास जो बच्चे खेल रहे थे, उनके खेलने के दौरान यह हादसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, परिवार से घर से निकलकर, कल से रमजानों का त्योहार है, और उसी के बाद जो बच्चे हैं वो चीज लेने के लिए, अपना कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान पर गए थे, और उसके बाद बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं रखते क्षेत्र में कौन सी बिल्डिंग जर्जर है, कौन सी बिल्डिंग बेकार हो चुकी है, उस पर वहां प्रतिबंध किया जाए। लेकिन उसके बावजूद जो प्रशासनिक अधिकारी है वो एसी के कमरों में बैठकर निफ्राम से अपना काम कर रहे हैं। क्या किसी अधिकारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस हादसे के बाद अभी तक सामने आई है? अभी तक अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, पुलिस के आला अधिकारियों की बात की जाए, तो वो बसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए, यहाँ पर CMO खुद पहुंचे हैं मामले को लेकर के जायजा लेने के लिए, लेकिन अभी तक कोई बात करते हुए नजर नहीं आए। डॉक्टर जो यहाँ पर इमरजेंसी इंचार्ज है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2 बच्चे यहाँ पर आए थे, 1 बच्चे की डेथ हो गई है, और साथ ही जो बच्चे हैं उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार वालों की तरफ से क्या कहा जा रहा है अतुल?
देखिए ये परिवार के लोग ही हैं जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं, सभी परेशान हैं, बच्ची का बच्ची के जाने से दुख मना रहे हैं। कल से रमजानों का त्योहार है और एक घर का सदस्य कम होने के बाद परिवार में दुख की लहर देखने को मिल रही है। बच्ची खेलती कूदती अपने घर से सामान खरीदने के लिए जाती है। ये परिवार के जो बेटी है उसके पिता है, क्या नाम है आपका? अर्जुन। बाबूजी क्या करने गई थी आपकी बेटी और किस वजह से हादसा हुआ, कुछ समझ में आ रहा है? मैं तो काम पे था, मुझे पता लगा ये बच्चे चीज लेने गए, जब वो ही गिरा। कितनी पुरानी बिल्डिंग है, क्या मानते हैं, किसको दोषी मानते हैं? बिल्डिंग ही पुरानी है, किसको दोष, किसी ने गिराई तो है नहीं। ऊपर वाले की मार, ऊपर वाले की मार। कल से रमजान है, बड़ा दुख का इस समय सामने है, संकट है। क्या कहूं मैं आपसे, दुनिया उजड़ चुकी जिसकी जवान बच्ची, कितनी बच्ची से आदमी मोहब्बत करता, दुनिया की चीज एक तरफ, बेटी एक तरफ। कितने वर्ष की बच्ची थी आप? मेरी 13-14 साल की बच्ची। देख सकते हैं इस पिता का दर्द किस तरह से झलक रहा है, 13 साल की बच्ची को रमजान से पहले खोया है, परिवार में इस समय दुख की लहर देखने को मिल रही है। आसपास के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, सभी संवेदनाएं दे रहे हैं, लेकिन लगातार देखा जाए तो ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो जर्जर बिल्डिंग है उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते, उन पर सील नहीं लगाते हैं, आसपास में प्रतिबंध इलाका नहीं करते हैं। ठीक है, शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए।